हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक बस के बारे में। जी हां, एक ऐसी बस जो पेट्रोल और डीजल से नहीं इलेक्ट्रिक से चलता है। बाहर के देशों में तो ये बहुत ही कॉमन है, लेकिन हमारे इंडिया में अभी शुरू हुआ है इलेक्ट्रिक बस चलाना। आगे ई बसेस के बारे में और भी डिटेल्स जानेंगे और देखेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। दोस्तों, हर रोज दुनिया में कोई ना कोई न्यू टेक्नोलॉजी आते रहते हैं और ई बस उनमें से एक है। कुछ दिन पहले ही कोलकाता में ई बस लॉन्च किया गया था, और सिर्फ कोलकाता में ही नहीं, लखनऊ, जम्मू, आसाम, इंदौर और जयपुर में भी ई बसेस चलाया जाएगा। टाटा मोटर्स की तरफ से ऑलरेडी 30 अल्ट्रा इलेक्ट्रिक 9 मीटर एसी ई बसेस प्रोवाइड किया गया है वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को। इन ई बसेस को पब्लिक सर्विस में चलाना भी शुरू हो चुका है। यहाँ पे एक एक ई बस एक सिंगल चार्ज में 150 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। एक एक बस को फुल चार्ज होने में करीब 2 घंटे समय लगता है। आप लोग इस वीडियो में देख सकते हो इन ई बसेस को कैसे चार्ज किया जाता है। इन अल्ट्रा इलेक्ट्रिक बसेस को मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है टाटा मोटर्स के धारवाड़ प्लांट में। इन बसेस की क्रिटिकल इलेक्ट्रिक पार्ट्स को यूएसए, जर्मन एंड चाइना की तरफ से सप्लाई किया जा रहा है। इन इलेक्ट्रिक बस की वजह से एनवायरमेंट को भी काफी फायदा मिलेगी, क्योंकि ई बसेस चलने से पॉल्यूशन कम होगा, पेट्रोल डीजल का कोई यूज नहीं होगा और इन बसेस में कोई साउंड नहीं है। इंडिया में सारे पुराने बसेस चेंज करके इलेक्ट्रिक बस लाना चाहिए, और धीरे धीरे करके ये होगा भी। फिलहाल टाटा मोटर्स की तरफ से 255 ई बसेस प्रोवाइड किया जाएगा 6 राज्यों को, जिनमें कोलकाता के अलावा लखनऊ, इंदौर, जयपुर, आसाम एंड जम्मू भी शामिल है। दोस्तों, बाहर 40 डिग्री सेल्सियस गर्मी में धूप में खड़े होकर मैंने इस वीडियो को रिकॉर्डिंग किया है, और करीब 2 घंटे के बाद मुझे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से परमिशन मिला वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। तो कम से कम मेहनत को अप्रिशिएट करते हुए इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ। आपसे मुलाकात होगा न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद।